हेलो एवरीवन, डेली ग्रो यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग मॉड्यूल 4 निष्ठा के अंतर्गत जो प्रशिक्षण चल रहे हैं, जिसकी लिंक जारी कर दी गई है, और इसको हम लोग इस वीडियो में कुछ भाग इसमें मिलेंगे, कुछ भाग अगले वीडियो में आपको मिलेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं निष्ठा 4 जो मॉड्यूल है उसका क्या उद्देश्य है, क्यों इस ट्रेनिंग को करवाया जा रहा है, क्या इससे विकास होगा, क्या इससे शिक्षकों और बच्चों को फ़ायदा होगा। तो इस सत्र के अंत में आप सक्षम होंगे, यानी कि ये ट्रेनिंग जब आप कंप्लीट कर चुके होंगे तो आप ये पॉइंट्स कंप्लीट हो गए आपके, यानी कि ये चीज़ों में जानकार आप हो जाएंगे। जैसे पहला पॉइंट है, शिक्षकों एवं बच्चों के बीच मौजूदा जेंडर संबंधी पूर्वाग्रहों और पक्षपातों तथा उन पर आलोचनात्मक रूप से पहचान करना। दूसरा है, विभिन्न विषयों के समव्यवहार में जेंडर संवेदनशील शैक्षणिक प्रक्रियाओं का विकास करना। तीसरा है, कक्षागत वातावरण में जेंडर संवेदनशीलता को बढ़ावा देने वाली अधिगम गतिविधियों का उपयोग और उन्हें ग्रहण करना। बालिकाओं की शिक्षा और सशक्तिकरण को बढ़ाने में पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकों की भूमिका को समझना। विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं की उपलब्धियों की पहचान और उनके योगदान की उदारता प्रशंसा करना। और राजनीति, सामाजिक, सांस्कृतिक और पर्यावरणीय प्रक्रियाओं में महिलाओं की भागीदारी को पहचानना और उनकी सराहना करना। तो ये तो उद्देश्य थे। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे ऊपर की ओर इसमें करते हैं, स्क्रॉल करते हैं। जब हम स्क्रॉल करेंगे तो ये इतना टाइम हमें इस पीडीएफ को पढ़ने में लगा, वो लिख के आ गया। अब नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। जैसे नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो ओपन हो करके आ जाएगा। तो किस प्रकार से हमें ये सामग्री, यानी जेंडर संबंधी जो प्रशिक्षण है इसमें सीखनी है, उसकी ये डिटेल है, वो पॉइंट्स हैं जिनके माध्यम से, जिस रूपरेखा से हमें इनको सीखना है। पहला पॉइंट से, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में जेंडर आयाम का परिचय। दूसरे में, विद्यालयी शिक्षण प्रक्रिया में जेंडर और जेंडर आयामों की समझ। तीसरा है, प्रछन्न पाठ्यक्रम को पूर्ण करने में प्रधानाचार्यों और शिक्षकों की भूमिका की समझ। चौथा पॉइंट है, भाषा शिक्षण में से जेंडर संबंधी मुद्दों का समावेश। पाँचवा है, सामाजिक विज्ञान शिक्षण में जेंडर समस्याओं का समावेश। और छठवां पॉइंट है, गणित शिक्षण में जेंडर समस्याओं का समावेश। सातवां पॉइंट है, विज्ञान शिक्षण में जेंडर संबंधी समस्याओं का समावेश। और आठवां है, गतिविधियों के माध्यम से जेंडर संबंधी मुद्दों का समावेश। उसके बाद 9 नंबर है, गतिविधियों के माध्यम से जेंडर संबंधी मुद्दों का समावेश। और लास्ट में है सारांश। तो इस प्रकार से ये पॉइंट्स हैं हमारे, इनके माध्यम से हम लोग इसमें प्रशिक्षण करेंगे और सीखेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट बटन पर क्लिक करते हैं। तो नेक्स्ट पर जैसे ही क्लिक करते हैं, जैसे अगला प्रशिक्षण है वो हमारा इसमें ओपन होके आएगा। इसको हम प्ले करेंगे, और जब प्ले करेंगे तो यहाँ पर प्ले होगा। तो ये यहाँ पे एक वीडियो है 6 मिनट 20 सेकंड का। इस इन मुद्दों पर संवेदनशीलता और समझ को प्रोत्साहन देने में मदद मिलेगी। इसके द्वारा उन्हें जेंडर समावेशी कार्यप्रणाली विकसित करने के बारे में दिशा निर्देश भी मिल सकेगा। जेंडर संबंधी दृष्टिकोण के समावेश का उद्देश्य केवल महिलाओं से संबंधित मुद्दों को संबोधित करना या लड़कियों के बीच आत्म सम्मान को बढ़ावा देना ही नहीं है, बल्कि लड़कों को भी पितृसत्तात्मक उद्देश्य मुख्य रूप से निम्नलिखित मुद्दों पर विचार करना है। पहला, विभिन्न विषयों के शिक्षण अधिगम में जेंडर संवेदनशील शैक्षणिक प्रक्रियाओं का विकास करना। दूसरा, कक्षा के वातावरण में जेंडर संवेदनशीलता को बढ़ावा देने वाली अधिगम गतिविधियों के प्रयोग का सुझाव देना। तीसरा, बालिकाओं की शिक्षा और सशक्तिकरण को बढ़ाने में पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकों की महत्वपूर्ण भूमिका को समझना। और चौथा, जेंडर संबंधित वर्तमान रूढ़िवादी दृष्टिकोणों और पूर्वाग्रहों पर सवाल उठाने और उन पर गंभीरता पूर्वक विचार करने के लिए तैयार करना। हम सभी जानते हैं
कि विप तो इस प्रकार से आप बहुत ही आसानी से जेंडर संबंधी जो समस्याएं समाज में व्याप्त हैं और स्कूलों में किस प्रकार से इनसे निजात पाई जा सकती है, आप इस वीडियो में देख सकते हैं। साथ ही इसके बाद में जो एक प्रतिलिपि है, इसकी PDF है, उसको आप पढ़ सकते हैं। तो इसलिए प्रशिक्षण आप पूरा जरूर करें। मैं फिर बार बार ये बात कहूँगा कि प्रशिक्षण को समझ के साथ ही करें। आप ऐसा ना करें कि जल्दी जल्दी में प्रशिक्षण करें, नहीं ऐसा नहीं करें, बिल्कुल भी। निष्ठा ट्रेनिंग है, आप निष्ठा से ही करें, उसे टाइम दें पूरा, जिससे कि आपको अधिक से अधिक जानकारी हो सके, जिसका उपयोग आप बच्चों के साथ अपने विद्यालय में और साथ ही अपने परिवार में भी कर सकें। आगे देखते हैं इसमें और क्या है। इसके बाद में जो आपने 6 मिनट का वीडियो लगभग देखा, और उसी के बाद में ये उसकी प्रतिलिपि है जिसको लिखित रूप में यहाँ पर दर्शाया गया है। आज हम जेंडर संबंधी विषयों को पठन पाठन में किस प्रकार समावेशी विधि से स्थान दिया जाए, इस प्रकार विचार करने का प्रयास करेंगे। मैं विषय का एक परिचय प्रस्तुत करूंगा जो न केवल कक्षा प्रक्रियाओं में बल्कि स्कूली प्रक्रियाओं में भी प्रासंगिक है। आज हम सभी जेंडर शब्द से परिचित हैं, तो इसी शब्द जो पूर्वाग्रह हैं, भेदभाव हैं, असमानता की बात है, शोषण की बात है, रूढ़िवादिता की बात है, तो इन्हीं के बारे में इस PDF में और इस वीडियो में चर्चा की गई है। और 4 पॉइंट मुख्य रूप से इसमें जो इन पर चर्चा की गई, तो आप देखते हैं ये हम पढ़ने के बाद में नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। जैसे ही नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे वैसे ही पुनः क्या होगा, आपका एक नया वीडियो खुलकर आ जाएगा जिसकी जो लेंथ है वो 12 मिनट 24 सेकेंड भाव गतिविधियां करने में, खिलौनों के साथ खेलने में, जो खेल वो आम तौर पर खेलते हैं, जैसे कि खेल के मैदान में हम आम तौर पर फुटबॉल लड़कों को और लड़कियों को खो खो खेलते हुए देखते हैं, भूमिका और जिम्मेदारियों में भी ऐसी भिन्नता देखी जाती है। इसलिए मित्रों हम देखते तो इस प्रकार से ये एक और PDF है, प्रतिलिपि है, जो विद्यालय शिक्षण प्रक्रिया में लिंग एवं लैंगिक आयामों की समझ को विकसित करने के लिए इससे किस प्रकार से समस्याओं को निजात दिलाया जाए समाज में, तो उससे संबंधित ये PDF है। और इसको भी आप अच्छे से पढ़ें, पढ़ने के बाद अपना नोट्स भी बनाते चलें, जिससे कि आगे आने वाली जो आकलन परीक्षा होगी उसमें आप अपना अच्छे से अच्छा प्रदर्शन कर सकें। अब चलते हैं गतिविधि नंबर एक पर। अभी ओपन हो रही है गतिविधि नंबर एक, तो इसमें देखते हैं रूढ़बद्ध धारणाओं की पहचान करना। इसमें रूढ़िबद्ध जो धारणाएं होती हैं उनकी किस प्रकार से हम लोग पहचान करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी रूढ़िबद्ध धारणाएं आमतौर पर पुरुष महिला या दोनों से जुड़ी हैं, इस बारे में हम लोग इसी वीडियो में चर्चा करेंगे। और इससे जो प्रश्नोत्तरी संबंधित है वो एरो पर क्लिक करेंगे, लाइव हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। निर्णय लेना, सबसे पहली पॉइंट है निर्णय लेना। तो ये रूढ़ी क्या है, रूढ़ी समाज में ये है कि पुरुष ही निर्णय ले सकता है, महिला निर्णय नहीं ले सकती है। इसलिए इसका प्रश्न के हिसाब से और जो हम प्रश्नावली कर रहे हैं गतिविधि के हिसाब से इसका जो उत्तर होगा वो पुरुष होगा। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं, आश्रित हैं, तो स्त्रियों को इस समाज में आश्रित माना जाता है, तो रूढ़ यही है कि आश्रित स्त्री होती हैं। निडर और बहादुर की अगर बात की जाए तो रूढ़ यही है कि जो पुरुष हैं वो निडर होते हैं और बहादुर भी होते हैं। इसके बाद सक्षम की बात की जाए तो पुरुष को समाज में सक्षम माना जाता है, ये रूढ़िवादी है, तो इसका सही उत्तर पुरुष में। इसके बाद भावुक की बात करें यानी कि तुरंत भावुक हो जाते हैं तो उनको महिलाएं कहते हैं, तो ये भी एक रूढ़ी है, तो इसलिए सही उत्तर होगा स्त्री। और उसके बाद में देखते हैं शक्तिशाली की बात की जाए तो पुरुष को शक्तिशाली समाज में माना जाता है, यही रूढ़वादिता है। तो इस प्रकार से इस वीडियो में, इस गतिविधि में 6 प्रश्न थे और हमने 6 प्रश्नों को इसमें करके देखा, 6 के 6 प्रश्न हमारे सही निकले। तो उम्मीद करता हूँ आपको भी इस प्रकार से ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आने वाली सभी वीडियोज आप तक पहुँच सके सबसे पहले। आगे और इसी के जो प्रशिक्षण है, अभी ये मैंने कुछ जो पार्ट्स थे गतिविधि एक तक के जो भाग उनको सम्मिलित किया इसमें। थैंक यू।